कोरोना के संक्रमण से देश भर में तालाबंदी हो रही है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, लेकिन दिल्ली की डीटीसी बस में क्या हाल है ये आपके सामने है। दिल्ली में जो 25% डीटीसी बसें चल रही हैं, वो आपात सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए हैं, लेकिन स्टेशनों पर जाने की मारामारी मची हुई, जबकि अंतर्राज्यीय बस सेवा और ट्रेनें दोनों बंद हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से उसका वायलेशन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूं आनंद विहार में और आप देख सकते हैं यहां पर कि कितनी जबरदस्त भीड़ है। यहां पर लोगों को जाने के लिए, किसी को नेपाल जाना है तो किसी को यूपी में जाना है तो कहीं किसी को कहीं और जाना है, लेकिन लगातार जो यूपी सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और किसी भी तरह की जो इंटर स्टेट बसेज जो है वो भी नहीं चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर जबरदस्त भीड़ जो है वो आनंद विहार की सड़कों पर जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। दिल्ली में ऑटो ई रिक्शा सब पर पाबंदी है, लेकिन चालान कटने के बावजूद ये वाहन सड़कों पर देखे गए। सड़कों पर ऐसे तमाम लोग देखे गए जो बिना वाजिब वजहों के निकले हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, उसके पीछे मदर डेयरी जो कि दूध की गाड़ी फंसी हुई है। ऐसे में उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है जिनको उत्तर प्रदेश हॉस्पिटल में जाना है या दिल्ली आना है, उनको इस तरीके की परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे, किस प्रोफेशन से जुड़े हैं आप? सर, मुझे ऑफिस से लैपटॉप लेना है, बस घर से काम कर रहा है। पता नहीं था कि लॉकडाउन हो चुका है दिल्ली और उत्तर, उसके बाद भी आप घर से निकले? नहीं नहीं, लॉकडाउन पता है, ऑफिस से ही सब, जब लैपटॉप ही घर पे है तो ऑफिस से तो काम करेंगे, सॉरी ऑफिस में घर से तो काम करेंगे। प्रोफेशन से जुड़े हैं? मैं तो जी अपने भाई के, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भाई के, उसकी दवाई लेने जा रहा हूँ सेक्टर 37 में, और सुबह का निकला हुआ, वो भी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर आके अब जाम लग रहा है। आपको पता नहीं था कि लॉकडाउन है यूपी और दिल्ली? पता नहीं था मेरे को, इन्होंने कल का ही मेरे को पता था कि जी 22 तारीख को बोला हुआ है कि 9 बजे तक का है। बिहार की राजधानी पटना का सूरत हाल भी देखिए, बस की छत पर तिल रखने की जगह नहीं। पटना में मीठापुर बस स्टेशन के पास पुलिस को सख्ती दिखाने की नौबत आ गई। बिहार के सुपौल में पुलिस को जबरदस्ती दुकानें बंद करानी पड़ी। बिहार सरकार ने कल लॉकडाउन किया था, कल 8 बजे का ये टीवी पर न्यूज किया कि आज से लेकर 31 तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अभी मैं सुपौल महावीर चौक पर जब आया, यहाँ लॉकडाउन ऐसी कोई तरह की बात नहीं थी। जो टू व्हीलर चल रहे थे, फोर व्हीलर चल रहे थे, थ्री व्हीलर चल रहे थे, सब पर सवारियां थी, प्रशासन के कोई खास बात नहीं था। लेकिन पटना में पुलिस वाले कैसे बेफिक्र दिखे ये भी देखिए। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने लॉकडाउन का क्यों नहीं वो करवा रहे हैं कि लोग सड़कों पे नहीं आए? कहने से कोई मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है? नहीं। क्यों नहीं मान रहा है? सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है पूरे बिहार में, आप लोगों को पालन करना चाहिए इसका, लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों सड़क पे है, बेफजूल तो नहीं घूम रहे हैं? अच्छा, क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? हाँ, कितना को मना किया, बाकी मान नहीं रहे? कोई नहीं मान रहा है। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, मोबाइल पे अपना कुछ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल पे? कुछ नहीं कर रहे हैं, रखे हुए हैं। तो कानून को क्यों नहीं पालन करवा रहे हैं जनाब? कोरोना वायरस है, लोग इतने ज्यादा संख्या में रोड पर आ रहे हैं। पदाधिकारी से जाके पूछिए ना, पदाधिकारी से पूछिए। अच्छा, वो अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोग बैठे रहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया ये आप खुद देखिए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के हाथों में मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं घर पर नहीं रहूंगा जैसे संदेशों वाले पैम्फलेट पकड़ा कर उनकी तस्वीरें खिंचवाई गईं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज की समस्या को समझ नहीं रहे हैं। एक सोशल एक्सपेरिमेंट, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर नहीं रहूंगा नाम से पेम्पलेट हमने ऐसे लोगों को दे करके उनका फोटो वायरल किया है ताकि उनको शर्म आए और समझें कि ये इतनी गंभीर बीमारी है, अगर ये खुद लेकर के आते हैं तो पूरे समाज और हमारे देश को घातक परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। ये कुछ बानगी हैं जो बता रही हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचने को लेकर गंभीरता नहीं आई है,
जबकि खतरा कितना बड़ा है ये सिर्फ ऐसे समझिए कि देश के 12 राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है और पंजाब ने तो पूरे राज्य में कर्फ्यू ही घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करके कहना पड़ा है कि लॉकडाउन को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। दिल्ली से रोहित तिवारी, पटना से रोहित सिंह और मंदसौर से आकाश के साथ आज तक ब्यूरो।